महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आज हम बनाने जा रहे हैं चटपटे आलू, और इसी के साथ हम बनाएंगे साबूदाना खिचड़ी। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉली कुकिंग विद डॉली में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम चटपटे आलू बनाते हैं। सबसे पहले हम रखेंगे पैन, और इसमें डालेंगे हम हाफ कप मूंगफली। इसे हम बिना घी या ऑयल से रोस्ट करेंगे। मूंगफली हमारी रोस्ट हो गई है, ये देखिए। अब हम इसे निकाल लेते हैं और ग्राइंडर जार में डालकर इसको दरदरा पीस लेंगे। अब हम पैन में डालेंगे 2 चम्मच घी, घी हमारा मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा और जीरे को अच्छी तरह से भूनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और साथ में डालेंगे करी पत्ता। अब हम इसमें 1/2 कप मूंगफली जो हमने रोस्ट की हुई थी और दरदरी पीसी है वो डालेंगे, और इसको 2 मिनट तक पकाएंगे। अब हम इसमें 4 उबले हुए आलू, जिसको कि मैंने इस तरह से काट लिया है, ये डालेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग सेंधा नमक डालेंगे, क्योंकि व्रत में सेंधा नमक ही खाया जाता है, और काली मिर्च डालेंगे 1/2 चम्मच। अब इनको 3 से 4 मिनट लिड लगाकर पकाएंगे। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे खोल के देख लेते हैं। चटपटे आलू हमारे बनके तैयार हैं। अब हम इसके ऊपर से 1/2 नींबू निचोड़ देंगे। इनको मिला देंगे और थोड़ा सा धनिया डाल देंगे बारीक कटा हुआ। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। आलू हमारे बनके तैयार हैं। अब हम इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे आलू बने हैं। ज़रूरी नहीं आप इसे व्रत में ही खाएं, आप किसी भी मौके पर इसको खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। ऊपर से थोड़ा सा धनिया गार्निश कर देंगे। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएंगे। अब हम साबूदाना खिचड़ी बना लेते हैं। उसके लिए रखेंगे हम पैन। सबसे पहले हम मूंगफली रोस्ट करेंगे। 1/2 कप मूंगफली है ये। मूंगफली को हम बिना घी या बिना ऑयल से ही रोस्ट करेंगे। मूंगफली हमारी रोस्ट हो गई है, अब हम इसे निकाल लेते हैं और इसको ग्राइंडर जार में डालकर दरदरा पीस लेंगे। आप चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने पीस लिया है। अब हम पैन में 3 चम्मच घी डालेंगे। घी हमारा मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। जीरा हमारा भुन गया है। अब हम इसमें 4 हरी मिर्च डालेंगे बारीक कटी हुई, और थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालेंगे। अब हम इसमें 2 उबले हुए आलू डालेंगे। आप चाहें तो हाथों से मैश करके भी डाल सकते हैं।
आलू हमारे घी में भुन गए हैं। अब हम इसमें आधा कप मूंगफली जो हमने रोस्ट करके दरदरी पीसी थी वो डालेंगे और इसको 3 मिनट तक पकाएंगे। यहाँ हमने 1 कप साबूदाना लिया है जिसको कि 1 घंटे पहले भिगो दिया था। इसको पहले आप अच्छी तरह से धोएं और फिर 1 घंटे के लिए 1/2 इंच पानी ऊपर करके भिगो दें। ये देखिए साबूदाना हमारा बिल्कुल भी नीचे से चिपक नहीं रहा है। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग सेंधा नमक डालेंगे। और काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे 1/2 चम्मच। इनको मिला देंगे। अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। लिड लगाकर लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। दो से तीन मिनट हो गए हैं। ये देखिए साबूदाना खिचड़ी हमारी बनके रेडी हो गई है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसमें 1/2 नींबू निचोड़ देंगे। इनको मिला देंगे। आप चाहें तो अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम ऊपर से धनिया डाल देंगे। देखिए आप इसे व्रत में खाएं या बिना व्रत से खाएं ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप बिना व्रत से खा रहे हैं तो आप कुछ और मसाले और ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।